हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल छवि जम्मी रेसिपी में। और आज हम बनाने वाले हैं फ्रेंड्स गोभी की खीर। फ्रेंड्स गोभी की खीर थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा कि गोभी की खीर किस तरह से बनेगी, इसकी तो हम घर पे सब्जी बनाते हैं, लेकिन आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें। आपको ये बिल्कुल रबड़ी जैसा टेस्ट आएगा, और मतलब आपको ना ही कोई खीर पसंद आएगी ना ही कोई रबड़ी पसंद आएगी आपको इसके आगे, क्योंकि ये बन भी बहुत कम लागत में जाएगी और जल्दी भी बन जाएगी, इसमें खर्चा भी कम आएगा और हर किसी को ये पसंद आती है फ्रेंड्स। तो आप एक बार इसको घर पर ट्राई ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स चलते हैं सीधा रेसिपी की ओर, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 किलो गोभी ली है और उसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक ग्रेट कर कस लिया है और उसको मैंने निचोड़ के रख लिया है। तब तक हम इसको ग्रेट करेंगे फ्रेंड्स जब तक इसका पीछे वाला हिस्सा गोभी का अलग ना हो जाए, सिर्फ हमें ऊपर ऊपर का हिस्सा ग्रेट करना है। इसके बाद हमने यहाँ पर 1 किलो गोभी ली थी, तो 1 किलो दूध लिया है फुल क्रीम। इसी के साथ में हम यहाँ पर 1 बाउल चीनी लेंगे, लगभग 250-300 ग्राम। इसी के साथ हम लेंगे यहाँ पर 10 से 12 छोटी इलायची और उनका हम इस तरह से पाउडर बना लेंगे। इसी के साथ हम यहाँ पर लेंगे लगभग 50 से 100 ग्राम देसी घी। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर गाय का घी यूज़ किया है, आप कोई भी घी घर में जो हो वो यूज़ कर सकते हैं देसी घी। और उसको हम इस तरह से पहले गर्म करेंगे कढ़ाई में, और उसके बाद हम ये जो हमने गोभी कसी थी इसको हम भूनेंगे मीडियम फ्लेम पर। फ्रेंड्स हमें ये भूनना है, हाई फ्लेम पर हम भूनेंगे तो गोभी जल जाएगी, हमें जलानी नहीं है, इसको भूनना है। लगभग 10 से 15 मिनट या 20 मिनट इसको लग जाएंगे भूनने में फ्रेंड्स, लेकिन इसको तब तक भूनते रहना है जब तक ये ब्राउन ना हो जाए, और इसको चलाते रहना है। जैसे ही ये ब्राउन हो जाएगी उसके बाद हम इसमें दूध ऐड कर देंगे और इलायची पाउडर भी ऐड कर देंगे और इसको चलाएंगे एक बार। लगभग इसको 10 मिनट अब हम इसी तरह से चलाते रहेंगे और पकाएंगे। ये देखिए अब इसको हम रख देंगे और अब हम इसको तब तक पकाएंगे फ्रेंड्स जब तक उबाल अच्छे से ना आ जाए। अब अच्छे से उबाल आ गया है तो इसको हम एक बार चलाएंगे। और इस तरह से इसको हम गोभी को घोटेंगे चमचे से, मिक्स कर देंगे गोभी को और मिल्क को हम एक साथ, कि गोभी के दाने अलग ना रहें और मिल्क अलग ना रहे, बिल्कुल मिक्स हो जाएगा रबड़ी टाइप। ये इसको नीचे से इस तरह से चलाते रहेंगे और इस गोभी को घोटते रहेंगे। जब तक ये दूध गाढ़ा ना हो जाएगा तब तक हमें यही प्रतिक्रिया करते रहना है। अब हम इसको एक बार और छोड़ देंगे लगभग 5 मिनट के लिए पकने के लिए, और इसमें दोबारा जब उबाल आ जाएगा अब हम इसमें चीनी भी ऐड कर देंगे। और अब हमें ये मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाते रहना है फ्रेंड्स जब तक ये बिल्कुल गाढ़ी ना हो जाए। जितनी गाढ़ी फ्रेंड्स हम रबड़ी मार्केट से लाते हैं उससे थोड़ा सा इसको कम ही रखना है, क्योंकि जब ये ठंडी हो जाएगी उसके बाद भी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, और आप इसको बनाने के बाद फ्रिज में रखकर ठंडा करके खाएं, काफ़ी टेस्टी रेसिपी आपको लगेगी। आप इस तरह से इसको चलाते रहिए और इस तरह से इसको घोटते रहिए। गोभी बिल्कुल मैश हो जानी चाहिए फ्रेंड्स, बिल्कुल मैश कर देनी है गोभी को, बिल्कुल किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और आप इसको बनाकर किसी को घर में खिलाएं, किसी बाहर को कोई मेहमान अगर आपके घर पर आए तो आप उसको भी ज़रूर खिलाएं। और अगर आप नहीं बताएंगे ये गोभी की खीर है तो आप कितना भी पूछ लेना, कोई बता नहीं पाएगा ये गोभी की खीर है, और हर कोई ये कहेगा कि बिल्कुल मज़ा आ गया। तो फ्रेंड्स आप इसको बनाकर एक बार ट्राई ज़रूर करें। ये देखिए मैं इसको घोटता जा रहा हूँ और मैं इसको पकाता जा रहा हूँ, मैंने थोड़ी फास्ट की हुई है फ्रेंड्स कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन मैं इसको तब तक पकाऊंगा जब तक ये अच्छे से दूध गाढ़ा ना हो जाए। अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये तैयार हो जाएगी, तब आपको गैस बंद कर देनी है। मैंने फ्रेंड्स गैस बंद कर दी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट ये खीर बनी है। आप इसको बना के ट्राई जरूर करें। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो फ्रेंड्स आप मेरे से कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और घर पर ट्राई करके मेरे को अपना कमेंट में फीडबैक फ्रेंड्स ज़रूर दें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, मैं आपके लिए इसी तरह से रोज़ रोज़ यम्मी टेस्टी रेसिपी लेकर आता रहूँगा। इसी तरह से यम्मी टेस्टी रेसिपी अपने घर पर बनाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल छवि जम्मी रेसिपी को सब्सक्राइब करना तो फ्रेंड्स बिल्कुल ना भूलें।